अंगूर सेल करेंगे। ये काले वाले 150-200 रुपए किलो है, ये कराची में जैसे आते हैं ये 150 रुपए किलो। हम हुंदर पहुंच चुके हैं, यह लालक जान का मजार हुंदर में, हुंदर वैली यासीन में है। अभी आपको अंदर से हम विजिट करवाते हैं। यासीन वैली दरकूत, अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त हम यासीन वैली के रास्ते में मौजूद हैं। कल हमने अशकोमन से वापसी में काकोच सिटी में अपना स्टे किया था। काकोच सिटी जो है वो गिज़र डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल है। आज हमारा इरादा यासीन वैली में लालक जान के मज़ार पे जाने का है, निशान हैदर है। और दूसरा यासीन वैली के आखिरी गांव दरकूत तक जाने का प्लान है। दरकूत का रास्ता तकरीबन 105 किलोमीटर के गूगल मैप के अकॉर्डिंग दिखा रहा है और यहाँ से कोई तकरीबन 3.5 घंटे का टाइम है। चूँकि पहाड़ों का रास्ता है तो टाइम थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है। जगह बहुत खूबसूरत है गिज़र वैली, हर जगह पर ग्रीन पैच मौजूद हैं, मौसम बहुत अच्छा है, पानी बहुत साफ़ है। तो अभी हम अपना सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारा पहला जो पड़ाव होगा वो होगा हवलदार लालक जान के मज़ार पे। सेल करने आए थे लेकिन थोड़ा मूड हमारा चेंज हो गया, तो आज से हम अंगूर सेल करेंगे। ये काले वाले 150-200 रुपये किलो है, ये कराची में जैसे आते हैं 150 रुपये किलो। कितने चाहिए भाई आपको? यार मुनासिब करो तो पूरा ठेला खरीदते हैं। आप ठेला भी खरीद सकते हैं, बाकी आपके लिए 25-10 रुपये कम कर दो। इस तरह की होती है ताज़ा, इस तरह की चीज़ होती है और ये उसको ड्राई करके हमारे पास लेकर आते हैं। अब हम लालक जान के मज़ार की तरफ जा रहे हैं यासीन वैली में। फ्रेंड्स, हम हुंदर पहुंच चुके हैं, लालक जान का मज़ार हुंदर में, हुंदर वैली यासीन में है। अभी आपको अंदर से हम विजिट करवाते हैं। अब हम लालक जान के मज़ार के आधे में मौजूद हैं। यहाँ पर चारों तरफ काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बाउंड्री वॉल बनी हुई है जिसके अंदर एक पूरा ये पार्क मौजूद है। यहाँ पर पार्क में काफ़ी अच्छे फूल उगे हुए हैं। ये डिटेल लालक जान के हवाले से निशान हैदर, पूरी डिटेल दर्ज है उनके हवाले से। यहाँ पर काफ़ी मकामी लोग भी आए हुए हैं, जो कि लगता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ के मकामी लोग भी यहाँ छुट्टी एक्सपेंड करते हैं। ये लालक जान की बटालियन के हवाले से डिटेल दर्ज है और मुख्तलिफ शोदा के नाम और उनकी डेट्स वगैरह यहाँ पे मेंशन है, उनके रैंक्स मेंशन है। और साथ ही ये लालक शेर खान का मज़ार है। अब हम मज़ार पे हाज़िरी देंगे। लालक जान के मज़ार पे फातिहा खानी करेंगे। बहुत खूबसूरत वैली है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है और ख़ास तौर पे इस वक्त लालक जान के मज़ार पे आके एक अजीब सी फीलिंग है। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत पुरसकून। बहुत खूबसूरत है यासीन वैली, आप विजिट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा यासीन वैली में।
कम्प्लीटली ग्रीन बेल्ट है। जब से हमने स्टार्ट किया सफर हमारा काकोर से बहुत खूबसूरत है। आप राइट साइड में देखिए यहाँ पर रोड की कारपेटिंग का काम चल रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी की रफ्तार काफ़ी सुस्त हो गई है। लेकिन चूंकि लोकेशन बहुत अच्छी है, ग्लेशियर पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रीन नज़र आ रही है, पहाड़ नज़र आ रहे हैं, दरिया साथ साथ बह रहा है, तो टाइम का और एहसास नहीं हो रहा। लेकिन ऐसे लगता है कि फ्यूचर में अपनी गाड़ी से बाइजी हम दरकूत तक जा सकेंगे। अभी तक तो ऑल ओवर जो है वो रोड अच्छा ही नज़र आ रहा है। दरकूत का मैदान इस तरह से है, इस तरह जिस तरफ से बहुत ही खूबसूरत वैली है ये दरकूत, और यासीन वैली का ये आखिरी गांव है। इन पहाड़ों के पीछे चित्राल है, और फिर उससे आगे जाएंगे तो अफगानिस्तान, और फिर उससे आगे जाएंगे तो रशिया की जो रियासत है वो शुरू हो जाएगी। ग्रीनलैंड है, और इसकी बैक साइड पर एक लेक भी है, और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। मौसम भी यहाँ बड़ा खुशगवार है, और थोड़ी देर बाद हम दूसरी साइड भी है, वहाँ भी विजिट करेंगे, और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ है यहाँ पर आने के बाद। गीज़र वैली इज़ नो डाउट ब्यूटीफुल वैली। कामरान भाई क्या हो रहा है भाई, बहुत मस्त हो गए आपके यहाँ की हवा में। यहाँ हम दरकूत लेक पर आए हैं। दरकूत लेक से हमने 45 मिनट्स की हाइकिंग की है, और ये बड़ी खूबसूरत लेक है, और काफ़ी बड़ी लेक है। यासीन वैली की और इसके बैक साइड पर दरकूत, और ये कहाँ से लिया है उसे अशरफ? आप भी इतने अरसे से यहाँ लोगों को लेके आ रहे हैं, कभी इस लेग पे आए हो? कैसा लग रहा है अभी लेग? ठीक है कामरान, और कुछ कहना चाहेंगे लोगों को, रेकमेंड करेंगे आप? खुशी हुई कि आप 45 मिनट तक चल और कंटिन्यू, ये भी बता दें। आपसे उम्मीद थी हमने। चलें, शुक्र है आपको, कहीं तो मैं उम्मीदों पे पूरा उतरते हुए नजर आया।
चले इंशाल्लाह। ओके कैसा लग रहा है? यार बड़ा अच्छा रास्ता है। अभी कहाँ देखे बाबा हमारी गाय कैसा लग रही है, इसको शीट आया हुआ गले में पे ऐसी आवाज हमारी गाय की। यासीन वैली के जंगल से गुजरते हुए क्योंकि पहाड़ों दरिया के दरमियान कच्ची पक्की सड़कें और गाने गुनगुनाते हुए बहुत मजा आया। मैं खुद जाकर अब दोबारा से हम यासीन वैली जा रहे हैं, कल इंशाल्लाह फंदक ट्राई करेंगे। फंदक गिज़र डिस्ट्रिक्ट की खूबसूरत तरीन वैली पंथर वैली बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आपको दरिया के पानी की क्राउड फिश खाने का मौका मिल सकता है।